नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अवनीश सर में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पैडागोजी का नेक्स्ट चैप्टर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शंस ऑफ ए लैंग्वेज। यानी ये लैंग्वेज के फंक्शंस हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग भी है, लेकिन बेसिक जो रोल है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। प्राइमरी लेवल पर अगर हम बात करते हैं, बेसिक लेवल पर हम बात करते हैं, तो इससे जुड़े हुए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे जा चुके हैं, और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाता है कि सीटेट के पेपर में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं लास्ट एग्जाम के। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी वीडियोज़ देखने के लिए हमारी सीटेट की जो प्लेलिस्ट है, सीटेट इंग्लिश पैडागोजी की जो प्लेलिस्ट है चैनल की, उस पर जाके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है, द स्पोकन स्किल्स इन ए लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम कैन बी डेवलप्ड थ्रू। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, द स्पोकन स्किल्स, जो स्पोकन स्किल्स हैं इन ए लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम कैन बी डेवलप्ड, किस तरह से डेवलप की जा सकती हैं स्पोकन स्किल्स, यानी बोलने के जो स्किल्स हैं, तरीके हैं, वो इंग्लिश टीचिंग में कैसे डेवलप कराए जा सकते हैं एक क्लासरूम में। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है, इनेबलिंग एक्टिविटीज़ विद अ फोकस ऑन कन्वर्सेशन स्किल्स लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो पहले ऑप्शन का जो मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप इनेबल करो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे जो है फोकस हो बच्चों का कन्वर्सेशन स्किल्स पर। ठीक है, और जब ये कन्वर्सेशन स्किल डेवलप होंगी तो बच्चे की जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, ठीक है, एक मतलब एक कॉम्पिटिटिव वे में वो डेवलप होगा उसके स्किल्स जो हैं। तो ऑप्शन सही लग रहा है, होल्ड पर रखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ग्रुप एक्टिविटीज़ वेयर लर्नर्स कैन टॉक इन विच एवर लैंग्वेज दे वुड लाइक टू। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ आप अरेंज करवाओ वेयर लर्नर्स यानी सीखने वाले कैन टॉक इन विच एवर, जिस भाषा में वो आदान प्रदान कर पाए अपने विचारों का, उस भाषा को, ठीक है, बोलने दीजिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएं। ठीक है, तो अभी इनमें एकदम गलत तो कोई सही नहीं लग रहा है। ठीक है, जो बेस्ट ऑप्शन है वो हम चूज़ करेंगे। तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एंगेजिंग इन स्मॉल टॉक एज कॉन्फिडेंट एग्रेसिव लर्नर। तो इसमें कह रहा है एंगेजिंग इन स्मॉल टॉक, छोटे छोटे जो है बातों में, ठीक है, बच्चों को इन्वॉल्व करो एज कॉन्फिडेंट एग्रेसिव लर्नर्स, कॉन्फिडेंट एग्रेसिव लर्नर की तरह। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक सामान्य सी बात है, जो कि ये स्पोकन इंग्लिश की जो स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास कंट्रीब्यूट ऑप्शन हमें लग नहीं रहा है ये कर रहा है। तो ऑप्शन 3 हमारा नॉन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पर चलते हैं, एनकरेज प्ले विद नो अदर ऑब्जेक्टिव्स। हम बच्चों को एनकरेज करें कि वो खेलें जिसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो लैंग्वेज टीचिंग यानी स्पोकन पर, इसका हमारा स्पोकन लैंग्वेज पर होना चाहिए कि हम बातचीत करें कम्युनिकेशन के पर्पज। तो ये भी एक साधारण सा ऑप्शन है, कुछ खास नहीं लिए हुए। तो ऑप्शन 3 और 4 तो बिल्कुल गलत है। अब फर्स्ट 2 में हम जो करेंगे डिसाइड। अब ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, चारों ऑप्शन मुझे पढ़ने पड़े। ठीक है, मुझे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो कितनी स्पीड से करूँगा ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद सीख लोगे, खुद डेवलप कर लोगे इस स्किल को, कि कैसे कैसे फटाफट पढ़ के ऑप्शंस के आंसर हमें लगाने होते हैं। ठीक है, तो रिजेक्शन और सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है ऑप्शन सही ढूंढने में। तो इसमें है, देखिए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन हमें लगेगा, एक बार और मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं, आपकी जो आंसर करने की जो स्किल्स हैं सीटेट के एग्जाम में, वो बेहतर होंगी। इसको ध्यान से देखिए, इसमें देखा है इनेबलिंग एक्टिविटीज विद ए फोकस ऑन कन्वर्सेशन स्किल्स लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर लग रहा है। दूसरा है ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराइए वेयर लर्नर्स कैन टॉक इन विच एवर लैंग्वेज दे वुड लाइक टू। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं अलाउ करेंगे कि वो जिस भी भाषा में बात करना पसंद कर रहे हैं उनको करने दें। फिर लैंग्वेज टीचिंग का मतलब ही क्या हुआ? तो लैंग्वेज टीचिंग जो है हमारा जो मेन एम होगा, वो किसी सेकेंड लैंग्वेज को, जैसे मान लिया आपकी मदर टंग हिंदी है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि हिंदी को डेवलप करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। तो बात आ रही है लैंग्वेज टीचिंग की, तो हम बात कर रहे हैं मेनली इंग्लिश पैडागोजी की। तो इंग्लिश टीचिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारा मकसद होना चाहिए कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट है, वो इंग्लिश लैंग्वेज जो हम सिखाने जा रहे हैं उसी में है, उसी में ही टारगेट लैंग्वेज में ही वो कम्युनिकेट करें, ना कि किसी भी भाषा में। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 जो गलत हुआ है वो इसलिए गलत हुआ है क्योंकि इसमें दे रखा है विच एवर लैंग्वेज दे वुड लाइक टू, ठीक है, इंटरेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बेस्ट है पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। तो आगे बढ़ेंगे, इससे आई होप कि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हमने दो ऑप्शन जो है मतलब बिल्कुल लो लेवल पर डाल के हमने रिजेक्ट कर दिया, और बाकी के दो बचे थे उनमें से गलत कौन सा हो सकता है उसको हमने अलग करा और बेस्ट ऑप्शन हमने अपने लिए चुना। तो मेन इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स ये है कि
आप सीखिए कि कैसे आपको ऑप्शंस चुनने हैं, ठीक है, कम समय में, मिनिमम समय में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्वेश्चंस तो बहुत सारे आएंगे और हो जाएंगे, कम क्वेश्चन भले ही हमारे वीडियो में कवर होंगे लेकिन बेस्ट तरीके से होने चाहिए, ये मेरा मेन मकसद ये रहता है। इसलिए मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इंग्लिश पेडागोजी सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया इज अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड्स स्माइल। रिया एक लड़की है जो स्माइल को प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है, बोल नहीं पा रही है ढंग से, एंड स्कूल, और स्कूल को नहीं बोल पा रही है क्लियरली। एज हर टीचर व्हाट विल बी डू, अगर आप उसकी टीचर होंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, ह्यूमिलेट रिया, यानी आप उसको बेइज्जत करें, ह्यूमिलेट, तो ऑप्शन वन तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन टू है, आस्किंग द एंटायर क्लास टू रिपीट द वर्ड्स एंड अप्रिशिएटिंग रिया व्हेन शी रिपीट देम करेक्टली। तो दूसरा ऑप्शन ये कहेगा कि आप कहेंगे कि बच्चों सभी बच्चे जो है रिपीट करेंगे उस वर्ड को, और फिर जब रिया उसको सही तरीके से बोलेगी तो उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। तो ऑप्शन टू को भी होल्ड पे डालते हैं हम, ये सही हो सकता है। देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ को भी, मेक रिया रिपीट द वर्ड्स मेनी टाइम, रिया से कहेंगे कि ये वर्ड्स कई बार बोलो आप, ठीक है। ये है थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, मेक रिया अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द साउंड पैटर्न एंड गेट द क्लास एज ए होल टू लिसन टू दीज वर्ड्स थ्रू एन ऑडियो विजुअल मीडियम। अब देखिए फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हमें ऑप्शंस सेलेक्ट करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हमें कुछ अच्छा लगा, कुछ ठीक से लगा उसको, जैसे हमें पहला ऑप्शन गलत लगा था और दूसरा ऑप्शन हमें सही सा लग रहा है कि भाई बच्चे रिपीट करेंगे और फिर प्रिया रिपीट करेगी और ये सही होगा, ऐसा नहीं है। बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो पहला तो गलत था ही, ठीक है, दूसरों को होल्ड पर डाला हमने, तीसरे को भी होल्ड पर डाला, सिर्फ उसमें रिपीट करने की बात की है। फोर्थ ऑप्शन देखिए कितना जबरदस्त इसके अंदर चीजें दे रखी हैं, वो कह रहा है कि आप प्रिया को अंडरस्टैंड कराओगे उसका मीनिंग, उसके बाद उसका साउंड पैटर्न कि कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस करा जाता है, लेटर्स की साउंड क्या होती है ये समझाओगे, एंड गेट द क्लास एज ए होल टू लिसन टू दीज वर्ड्स। आप पूरी क्लास को ही, सिर्फ रिया को नहीं, पूरी क्लास को, दो चार बच्चे और छूट रहे होंगे जो सही से प्रोनाउंस नहीं कराएंगे, तो पूरी क्लास को एक बार फिर से ऑडियो विजुअल मीडियम, तो जहां भी बात आ जाएगी पूरी इंग्लिश पेडागोजी या साइकोलॉजी में, ऑडियो विजुअल माध्यम से, यानी आप दृश्य और श्रव्य सामग्री जैसे प्रोजेक्टर, ठीक है, लैपटॉप या रेडियो की हेल्प से, चार्ट की हेल्प से, जब कोई चीज़ आप क्लियर कराना चाहते हो, बच्चों को डाउट्स क्लियर कराना चाहते हो, तो वही बेस्ट ऑप्शन होता है, वही आपको सेलेक्ट करना है अपने ऑप्शन में से। तो फर्स्ट गलत था, सेकेंड थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, और फोर्थ सबसे बेस्ट आंसर हमने चुन लिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये आंसर फाइनल हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको स्ट्रेटजी प्लानिंग और तरीका छांटने का, ठीक है, आंसर को वो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स इज प्राइमरली मीन्ड फॉर इंप्रूविंग देयर। क्वेश्चन में कहा गया है टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बच्चों को आप इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताओगे टू यंग लर्नर्स इज प्राइमरली मीन्ड फॉर इम्प्रूविंग। तो आप बच्चों को जो यंगस्टर्स को जो स्टोरी सुनाते हो, इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसका मुख्य मकसद क्या इम्प्रूव करना होता है, तो राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स। तो बात जब स्टोरी टेलिंग की आ रही है, तो स्टोरी टेलिंग में तो बच्चा सिर्फ सुन सकता है, ठीक है, और जब इंटरेस्टिंग तरीके से बताओ तो और बेहतर तरीके से सुनेगा, समझेगा, ठीक है, तो और वर्ड्स को भी अच्छी तरह से देखेगा कि कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस होता है। तो इसका मतलब हम इसमें इंप्रूव कर रहे हैं बच्चों की लिसनिंग स्किल्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ओरल ड्रिल, ओरल ड्रिल का मतलब होता है, ओरल मतलब होता है मौखिक और ड्रिल माने होता है अभ्यास। तो मौखिक अभ्यास जैसे हम कराते हैं, ठीक है, जैसे पहाड़े बुलवाना, ठीक है, गिनती बुलवाना, ठीक है, और ये संडे मंडे के नाम बुलवा देना, तो ये ओरल स्किल्स हैं, ओरल अभ्यास हम करवाते हैं। पहला ऑप्शन है, मेन पर्पज़ क्या है ओरल ड्रिल का, मौखिक अभ्यास का, पहला ऑप्शन है टू एसेस द कॉम्प्रीहेंशन स्किल ऑफ लर्नर्स, कि हम कॉम्प्रीहेंशन स्किल एसेस करना चाहते हैं बच्चों की, कि भाई ये वर्ड का मीनिंग या लाइन का मतलब या सेंटेंस का मतलब समझे या नहीं समझे। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं ना, पैराग्राफ पढ़ना, उसको समझना, आंसर करना। तो सॉरी, तो ये तो हमारा मकसद नहीं होता कॉम्प्रीहेंशन स्किल इंक्रीज करने का ओरल ड्रिल के हिसाब से। तो ऑप्शन वन गलत है। ऑप्शन टू है टू इम्प्रूव प्रोनंसिएशन एंड एक्यूरेसी, तो हम प्रोनंसिएशन और उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करना चाहते हैं, इसे होल्ड पर रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं टू एनहेंस द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स, हम स्पीकिंग स्किल्स एनहेंस करना चाहते हैं।
नेक्स्ट है टू इम्प्रूव रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ लर्नर, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं कि वो कितना रिटेंशन कर रहा है, मतलब कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना समझ पा रहा है, अंदर अपने रख पा रहा है। तो ऑप्शन फोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिटेंशन का कोई मतलब नहीं है अभ्यास कार्य से। अभ्यास कार्य होता है इंप्रूव करने के लिए या तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स है ना, और स्पीकिंग स्किल्स के अंदर ही प्रोनंसिएशन और एक्यूरेसी लेवल आता है। तो मोटे तौर पर हम कहें कि ऑप्शन नंबर टू जो है वो ऑप्शन नंबर वन के अंदर ही इनबिल्ट है ऑलरेडी, क्योंकि स्पीकिंग स्किल्स के अंदर ही आगे आपका प्रोनंसिएशन और उसकी एक्यूरेसी लेवल। तो ऑप्शन थ्री जो है बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि टू एनहेंस द स्पीकिंग स्किल्स हम अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं मौखिक अभ्यास, जिससे कि उसकी स्पीकिंग स्किल एनहेंस हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू करेक्ट स्पीच हैबिट्स। पहला ऑप्शन है प्रोनंसिएशन प्रैक्टिस, वोकेबुलरी प्रैक्टिस, क्विजेस और डिक्टेशंस। तो जो करेक्ट स्पीच हैबिट्स है, कैन बी डेवलप्ड, तो स्पीच हैबिट्स जो है यानी आपके बोलने के तरीके आदत वो सुधारी जा सकती है। तो उसमें मुख्य जो रोल प्ले करेगा वो प्रोनंसिएशन है, कि इंसान जो है प्रोनाउंस करने में गलती कर देता है, ठीक है। वोकेबुलरी वगैरह तो स्पीच के अंदर मतलब एक अंदर उसका पार्ट है कि भाई स्पेलिंग सही है या नहीं है, ठीक है। डिक्टेशन वगैरह तो प्रोनंसिएशन प्रैक्टिस से वो इम्प्रूव की जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज स्किल्स दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट आर। इसमें बताया गया है कि ट्रेडिशनल पेन पेपर के इस्तेमाल से, सिर्फ पेन और कॉपी के इस्तेमाल से आप लैंग्वेज स्किल्स जो नहीं इंप्रूव करी जा सकती हैं वो कौन कौन सी है पेन और पेपर के हिसाब से। तो पेन और पेपर का इस्तेमाल करके तो हम क्या करेंगे, या तो रीडिंग करेंगे या राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये इंप्रूव नहीं करी जा सकती है ट्रेडिशनल पेन पेपर से आप जो करोगे वो मुख्य काम क्या करोगे, एक राइटिंग का करोगे, एक पेपर के हिसाब से रीडिंग करोगे। तो उसमें कहा है द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर। तो पेन पेपर की हेल्प से आप रीडिंग और राइटिंग स्किल्स चेक कर सकते हो, ठीक है, जो कि हमें इसमें नहीं ढूंढनी, हमें वो ढूंढनी है जो पेन पेपर की हेल्प से नहीं हो पाएगा। और पेन पेपर की हेल्प से क्या नहीं हो पाता है, सुनना और बोलना, इसमें पेन पेपर की कहीं जरूरत नहीं होती। कहीं अगर 2 साल का बच्चा है तो वो सुनता है और बोलता है, उसमें पेन पेपर की जरूरत कहाँ पड़ी। तो उसको एसेस करने में भी पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो स्किल्स जिनमें जिनको टेस्ट करने के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी वो हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है। ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट आंसर, आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग रोल प्ले इज। रोल प्ले का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने एक बार और एक और क्वेश्चन में आ चुका। रोल प्ले का मतलब है जैसे क्लास चल रही है इंग्लिश की, अगर इंग्लिश टीचिंग की क्लास चल रही है और कोई ऐसा उसमें चैप्टर आ जाता है जिसमें डायलॉग्स हैं, यानी एक करेक्टर्स है उसमें, जैसे मोहन हो सकता है, एक ऋतु हो सकती है, और वो अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो रोल प्ले का मतलब होता है एक्टिंग करना, जैसे इसके इस वर्ड्स के आप मीनिंग से ही समझ जाओगे, रोल प्ले का मतलब है कि एक्टिंग करना। तो जैसे क्लास में टीचर जो है स्टूडेंट को खड़ा करती है, भाई तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, और इस पूरे चैप्टर को एक रोल प्ले की तरह, एक नाटक की तरह आप करो। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल्स। तो डायलॉग लिखने की स्किल्स बिल्कुल नहीं। ऑप्शन टू है टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, ठीक है, रीडिंग हैबिट इसमें प्रमोट की जा सकती है। इसको होल्ड पे डालते हैं, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो इंप्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इससे बढ़ सकता है कि क्योंकि अगर एक बच्चा अगर किसी का रोल प्ले कर रहा है तो उस रोल में सिर्फ रीडिंग रीडिंग नहीं है, रीडिंग उसमें एक्सप्रेशंस भी हैं। जैसे मान लिया किसी को गुस्सा आ रहा है, आई एम एंग्री, अगर कोई ऐसे बोलेगा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी तो चेंजेस होने चाहिए उसके हिसाब से, उसके गेस्चर्स भी तो चेंज होने चाहिए उसकी स्थिति के हिसाब से। तो इसका मतलब पूर्ण रूप से देखा तो सिर्फ रीडिंग हैबिट इंप्रूव करने के लिए रोल प्ले बिल्कुल नहीं इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें और भी चीज़ है। तो तीसरी जो चीज़ आपको बेस्ट लग रही है वो है कि रीडिंग हैबिट्स बढ़ेंगी, साथ साथ जिस तरह के, जिस फीलिंग को लेकर अपन वो वर्ड्स बोल रहा है उन वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए चेहरे पे भी जो है कुछ चेंजेस शो होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन थ्री बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को बढ़ा रहा है, और ऑप्शन टू और ऑप्शन वन दोनों इसी के अंदर एक तरह से समाहित हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन थ्री रहेगा, ऑप्शन फोर गलत बिल्कुल है। टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट बढ़ाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 23 है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। ये सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। अभी डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज परटेन्स टू, डेकोरम आपने सुना होगा कि अपना डेकोरम मेंटेन करिए, तो डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज किस बात की तरफ इंगित करता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डेकोरम मतलब डेकोरम मींस करेक्टिव ग्रामेटिकल यूजेस, कि आप सही तरीके से ग्रामेटिकल यूजेस करें। ऑप्शन टू है वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस,
ऑप्शन थ्री क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल एप्रोप्रिएट गेस्चर्स। तो देखिए डेकोरम का मतलब मुख्य आपने सोचा होगा कि जैसे आपने अपने टीचर से सुना होगा कि भाई क्लास का डेकोरम मेंटेन करिए, है ना। जब आप शोर मचाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो टीचर को आपने सुना होगा। कुछ डेली लाइफ से भी चीज़ें आपको जोड़नी चाहिए, आपको दिमाग में रखने में मदद करेंगी बहुत दिनों तक कुछ चीज़ों को। तो डेकोरम का मतलब ये होता है कि किसी भी स्थिति में, चाहे आप क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप प्रेयर में खड़े हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, तो हर जगह का एक स्थिति होती है, एक अच्छी एक कंडीशन होती है, आइडियल वे होता है, तरीका, तो उसे हम डेकोरम कहते हैं। तो जब हम स्पीकिंग कर रहे हैं किसी लैंग्वेज की, तो स्पीकिंग हमारी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि हम जो वर्ड बोल रहे हैं, जैसे आई एम हैप्पी, तो जब मैंने बोला आई एम हैप्पी, तो इससे मेरे चेहरे से मेरे अंदर फीलिंग्स भी मेरे चेहरे से दिखनी चाहिए, एक्सप्रेशन कि मैं हैप्पी हूँ। तो ये होता है डेकोरम मेंटेन करना स्पीच का, स्पीकिंग स्किल्स ये होती हैं। तो डेकोरम का मतलब अगर इंग्लिश टीचिंग की बात करें, स्पोकन लैंग्वेज की बात करें, भाषा बोलने की बात करें, तो उसमें डेकोरम एप्रोप्रिएट गेस्चर्स, गेस्चर्स का मतलब दूसरा भी यही होता है कि हमारी फीलिंग, हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं। तो ऑप्शन वन जो ऑप्शन फोर जो है हमारा बेस्ट ऑप्शन है कि एप्रोप्रिएट गेस्चर डेकोरम कहलाता है, स्पोकन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था।